मसाई जनजाति जो पीती है जिंदा जानवरों का खून। तो आइए मैं आपको बताऊंगी इसी जाति से जुड़े रहस्य। अफ्रीका को कई मसूर ट्राइब्स के ठिकानों के तौर पर जाना जाता है। इनकी अपनी परंपराओं और रिवाज होते हैं। इनमें से एक है मसाई जनजाति। इनकी चरवाओं और युद्धों के रूप में पहचान होती है। ये तंजानिया और केन्या के इलाके में रहते हैं। दोस्तों, अपने कल्चर और पॉपुलर टूरिस्ट के पास रहने से चलते ये काफी मशहूर हैं। ये ज्यादातर मसाई मारा, सेरेंगेटी और अम्बेसैली जैसे रिजर्व के पास रहते हैं। केन्या और तंजानिया में इनकी संख्या 10 लाख के करीब है। इनके अपने बनाए मौखिक नियम कायदे हैं जो इनकी जिंदगी के सभी पहलुओं को समेटते हैं। मसाई समुदाय में सबसे बुजुर्ग मुख्य होता है और उसके द्वारा बनाए गए नियम कायदे माने जाते हैं। इनके लाल रंग के कपड़ों से इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, जिन्हें सूखा कहते हैं। इनके यहाँ मौत के बाद शव को दफनाया नहीं जाता बल्कि खुले में छोड़ दिया जाता है, और इसके पीछे मान्यता है शव दफनाने से जमीन खराब होती है। मसाई आदिवासी घुमंतों की तरह जिंदगी जीते हैं ताकि इनके जानवरों को खाने के लिए नई चीजें मिल सके। इनकी जिंदगी में जानवरों की भूमिका काफी अहम होती है। ये मसाई आदिवासियों के खाने का जरिया है। इनकी संपत्ति इनके जानवरों बच्चों की संख्या से तय होती है। मसाई खाने के लिए दूध, चिकन से लेकर कुछ खास मौकों पर जानवरों के खून का भी इस्तेमाल करते हैं। बीमारी और डिलीवरी के समय ये जानवरों का खून पीते हैं। इसके अलावा नया काम करने के लिए भी ये लोग खून पीते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं छोटी झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। ये थी SNS रिपोर्ट।